देख रहे हैं आजाद सिपाही। झारखंड की मंत्री लुईस मरांडी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में महासंग्राम। लुईस ने कहा, ममता शेर है तो मैं सवा शेर। ममता बनर्जी ने मसानजोर की तरफ देखा तो आंखें निकाल लूंगी। एडम इंस्टीट्यूट, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। रजिस्ट्रेशन ऑन 25% फ्लैट डिस्काउंट। मंगल टावर 6th फ्लोर, कांटा टोली चौक, रांची। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। संथाल परगना स्थित मसानजोर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड की मंत्री लुईस मरांडी के बीच महासंग्राम छिड़ गया है। दरअसल लुईस मरांडी पश्चिम बंगाल सरकार की लोमड़ी चाल से गुस्से में है। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड स्थित मसानजोर डैम के पास एक बोर्ड लगा दिया था जिसमें लिखा था कि पश्चिम बंगाल सरकार मसानजोर में आपका स्वागत करती है। ये देख झारखंड सरकार भड़क गई और बोर्ड को उखाड़ दिया। उसी के बाद लुईस मरांडी का कड़ा बयान सामने आया है। अब खबर विस्तार से। झारखंड के कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मसानजोर डैम से दूर रहने की चेतावनी दी है। रविवार को लुईस मरांडी ने ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दुमका की मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर डैम की ओर ममता बनर्जी ने अगर आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंख निकाल लूंगी। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार अपने आप को शेर समझती है तो हम लोग सवा शेर हैं। मसानजोर डैम के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ पिछले सप्ताह शुरू हुए विवाद के बीच लुईस मरांडी ने कहा कि मसानजोर डैम के पास बनी सड़क झारखंड की जमीन पर बनी है, ये मसानजोर डैम का हिस्सा नहीं है। जब डैम बना था तो झारखंड के 144 मौजा के लोग विस्थापित हुए थे, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को अपना बोर्ड और होर्डिंग लगाने का कोई अधिकार नहीं है। सवालिया लहजे में लुईस मरांडी ने कहा कि बंगाल के कर्मचारियों ने यहां किसकी अनुमति से अपना बोर्ड लगाया। इस टाइम से दुमका जिले के एक एक व्यक्ति का सेंटीमेंट जुड़ा है, यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री से सीधी बात हुई तो उन्होंने उनके समक्ष यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी थी। पत्र का जवाब आ चुका है। गीतांजलि बैंक्वेट हॉल, अ यूनिक प्रीमियम बैंक्वेट हॉल is all set to redefine hospitality in Ranchi. Contact for corporate event and private parties. लुईस मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पत्र आया है उसमें झारखंड सरकार के सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि 144 मौजा को खोजें और उनकी स्थिति का पता लगाएं। ये भी पता लगाएं कि इन गांवों के लोगों को उनका वाजिब हक मिला या नहीं। एक सवाल के जवाब में लुईस मरांडी ने कहा कि डैम झारखंड में है लेकिन इससे पश्चिम बंगाल के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार इसका रंग रोगन करवा रही है अपनी पसंद के रंग से। स्थानीय लोगों को इस पर आपत्ति है। लोगों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि रंग रोगन करवाना ही है तो उसी रंग से रंगें जिस रंग में पहले से ये डैम रंगा है। आइए जानते हैं क्यों बढ़ा विवाद। पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा मसानजोर डैम का अपने तीन पैटर्न पर रंग रोगन कराया जा रहा था। झारखंड की सड़क पर मसानजोर डैम में स्वागत से संबंधित बोर्ड लगा दिए गए थे। ये विवाद चार दिन पहले उस समय तूल पकड़ लिया जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसानजोर डैम पहुंच उसके रंग रोगन का काम बंद करा दिया था और ये ऐलान कर दिया था कि वे ममता सरकार के मायर माटी और मानुष पैटर्न वाले रंग से डैम को नहीं रंगने देंगे। भाजपाइयों का कहना था कि डैम का जो रंग पहले से था उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल सरकार को उसे रंगवाना है तो पूर्व से चले आ रहे रंग को ही वो बरकरार रखे। जबकि झारखंड की सड़क पर लगे बोर्ड में बंगाल सरकार के लोगो और वहां की सरकार का नाम दर्शाए जाने पर भाजपाइयों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और उस पर झारखंड का लोगो और झारखंड सरकार चिपका दिया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शनिवार की शाम मसानजोर पहुंचकर दुमका सिउड़ी मार्ग पर यूथ हॉस्टल के पास लगवाए गए गेट पर चिपकाए गए झारखंड सरकार के लोगो को उखाड़कर फेंक दिया था। दुमका से सिउड़ी की ओर जा रहे एक कंटेनर को पश्चिम बंगाल पुलिस ने रुकवाया और उसके ऊपर चढ़कर झारखंड सरकार का लोगो उखाड़ दिया। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस वहां से निकल गई। ये मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। इस घटना के बाद ही झारखंड के मंत्री लुईस मरांडी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दी है।
आजाद सिपाही के खबर विशेष में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पल पल की खबरों के अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.azadsipahi.com। पॉलिटिकल स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आजाद सिपाही प्राइम, और आजाद सिपाही कोयलांचल में आप देख सकेंगे कोयलांचल से जुड़ी प्रमुख खबरों को। धन्यवाद।